हेलो गाइस, आई एम सामिया खान। वेलकम टू खाना खजाना चैनल। आज हम बनाएंगे आलू और अंडे की भुजिया। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है, आप इसे नाश्ते के साथ भी खा सकते हैं और चाहें तो डिनर में बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने आलू कट कर लिया है इस तरीके से। आप चाहें तो किसी और शेप में भी आलू को कट कर सकते हैं। और ये मैंने 3 eggs लिए हैं, 3 अंडे लिए हैं और ये ऑयल लिया है बनाने के लिए। 1 medium size टमाटो लिया है और इसे इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है। ये कुछ मैंने मसाले लिए हैं, जैसे 1 teaspoon मैंने सॉल्ट लिया है, 1/2 teaspoon मैंने टर्मरिक पाउडर लिया है यानी हल्दी पाउडर, और 1/2 teaspoon मैंने ज़ीरा लिया है, 1 teaspoon मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं इस तरीके से कट कर ली हैं बारीक, और 2 full size अनियन लिए और इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। चलिए आगे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने फ्राई पैन लिया है, गैस जला दिया, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अब सबसे पहले इसमें हम आलू को डालेंगे। अब आलू को हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से भी फ्राई करेंगे इन्हें। पहले याद रखिए अच्छे से फ्राई करना ताकि इनका जो कलर है थोड़ा चेंज हो जाए। अच्छे से मिक्स कर देंगे ऑयल में, इनका कलर थोड़ा चेंज होना चाहिए, कलर थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाना चाहिए इनका, और फ्लेम हाई रखेंगे। अब देखिए 5 मिनट तक मैंने इन्हें हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से पका लिया है और ये काफ़ी 80% तक ये आलू गल चुके हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से पकाना है, इनका कलर भी चेंज हो चुका है, लाइट ब्राउन हो चुका है इनका कलर। अब हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे तरीके से चला लेंगे ज़ीरे को, और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे और ये सारे मसाले ऐड कर देंगे हम इसमें। हल्दी भी ऐड कर देंगे, सॉल्ट भी ऐड कर देंगे और रेड चिली पाउडर भी। अभी ने अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो मसाले हैं जले ना। ये थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है इसमें ताकि मसाले जले ना बिल्कुल, और अच्छे चला रहे हैं। मैंने इन्हें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसे करीबन 2 मिनट तक हम ढक देंगे और फिर इस तरीके से बनाएंगे ताकि जो मसाले हैं अच्छे से भुन जाएं। अब हम टमाटर भी ऐड कर देंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए। मसालों को साथ ही भुनना चाहिए टमाटर में, क्योंकि सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी आलू में थोड़े बहुत रह गए कच्चे, ये भी गल जाएंगे अच्छे से। ढक देंगे इन्हें 1 मिनट के लिए। देखिए हमारे मसाले अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब हम टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं, इसमें एग ऐड करेंगे। आलू भी हमारे गल चुके हैं, एग ऐड करेंगे अब इसमें। तीनों एग इसी तरीके से ऐड कर देंगे। अब मैंने एग ऐड कर दिया, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आप अंडे की भुजिया बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी, और इस तरीके से आप इसे ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर दें ताकि आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले में भी। अब देखिए हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे इसमें, इससे टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और इसमें बहुत अच्छे से डाल देंगे, इससे मिक्स कर देंगे इसे इस तरीके से। अब हम इसे सर्व करेंगे, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है बनके। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप घर पर ज़रूर बनाएँ। आप इसे लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में बना सकते हैं, और कॉलेज जाते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। ये बहुत ही टेस्टी है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच।